हम पूरे एक साल से कोरोना से जूझ रहे थे कि हाल में ही 20 मई को एक और केस हमारे सामने आया, जिसका नाम म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस है। देश भर में कई राज्यों से कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण और इससे हुई मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से अब तक लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में 1800 मरीज इससे संक्रमित हैं। ऐसे और राज्यों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ब्लैक फंगस को पहले भी देखा जा चुका है, इसलिए यह बीमारी हमारे लिए उतना नया नहीं है, लेकिन पहले ब्लैक फंगस का केस रेयर था, पर इस वक्त ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसे पूरे देश में एक बहुत बड़ी महामारी घोषित कर दिया गया है। तो आइए आज किस वीडियो में ब्लैक फंगस क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, यह कैसे होता है और इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं, यह जानते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन और आंखों की बीमारी है, जिसका शिकार होने पर मरीज की रोशनी तक जा सकती है। ICMR ने बताया है कि यह बीमारी शरीर में बहुत ही तेजी से फैलती जा रही है, जिससे बॉडी के कई अंगों पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि फंगल इन्फेक्शन कोरोना से ठीक होने के बाद या ठीक हो रहे मरीजों से में देखा गया है। अब बात करते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। ब्लैक फंगस के कारण सर में तेजी से दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद, गाल की हड्डी में दर्द, चेहरे पर घाव के अलावा देखने की क्षमता भी असर पड़ सकती है। किसी को ब्लैक फंगस हुआ है, इसका पता कैसे लगाएं? एम्स ने कहा है कि ब्लैक फंगस का पता लगाने के लिए आप घर में चेहरे में हलचल करें, जैसे मुंह खोलना, लंबी लंबी सांस लेना इत्यादि। दिन में के उजाले में नाक, गाल, आंख के आसपास अच्छे से देखें कि कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा, जैसे त्वचा का सूजना, लाल हो जाना, छूने पर दर्द होना, नाक से खून आना इत्यादि। आखिर ये ब्लैक फंगस होता कैसे है? यह बीमारी हमारे लिए अभी बहुत ही नया है। जितना रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक अभी आप ज़्यादा धूप में नहीं निकले, धूल वाले जगहों पर मास्क पहन लें, मिट्टी कीचड़ को ग्लव्स लगाकर छुए। ब्लैक फंगस हो जाने के बाद क्या करें? एम्स ने कहा है कि इसका लक्षण दिखने के बाद ENT डॉक्टर यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ से या फिर रोगी का इलाज करने वाले डॉक्टर से तत्काल मिले, नियमित इलाज करवाएं, डायबिटीज के मरीज शुगर को कंट्रोल रखें और बार बार इसकी जांच करवाते रहें, शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नियमित तौर पर दवाएँ खाएँ और दिशा निर्देशों का भी पालन करें, स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक एंटीफंगल दवाओं का खुद से सेवन न करें, किसी भी स्थिति में इसको डॉक्टर से दिखा कर ही लें, MRI या CT स्कैन भी डॉक्टर की सलाह पर करवाएं। आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।